अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करिए। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, अपना एग्जाम चूज करिए और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर करने के बाद आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है PMYT। ये डिस्काउंट कोड एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है, भले ही आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीएससी, यूजीसी, आईआईटी, नीट किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, PMYT ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आप सभी आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी प्रिपरेशन काफी ज्यादा अच्छी चल रही होगी। तो गाइस यहाँ पे आरआरबी ने ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट नोटिस यहाँ पे रिलीज किया है। क्या है इस इम्पोर्टेंट नोटिस के अंदर, तो चलिए फटाफट से इसको फटाफट से समझ लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नोटिस रिलीज किया गया है, ये बेसिकली यहाँ पे उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने अप्रेंटिसशिप अपनी कम्प्लीट की है रेलवे के अंदर। तो इसको मैं शॉर्ट में आपको समझाने वाली हूँ कि क्या है नोटिस के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं गाइस, यहाँ पे एक हाई पावर कमेटी बनाई गई थी और हाई पावर कमेटी ने कुछ और डिसीजन भी लिए हैं जो कि इसमें बताए गए हैं। ये उन कैंडिडेट से रिलेटेड है जिन्होंने यहाँ पे अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किया है रेलवे के अंदर और ग्रुप डी एग्जाम के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो इसमें शॉर्ट में यही लिखा हुआ है कि जिन भी कैंडिडेट्स ने यहाँ पे सेक्शन 22 के अंदर अपनी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट की है रेलवे के अंदर, ध्यान देने वाली बात यह है कि रेलवे के अंदर अपनी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट की है सेक्शन 22 के अंदर, तो उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे दो फायदे हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि ग्रुप डी का जो CBT 1 एग्जाम होगा, जब वो ग्रुप डी का CBT एग्जाम देंगे तो उसकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसके अंदर इनको एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा जो कि इनकी ट्रेनिंग का होगा। इन्होंने जो रेलवे के अंदर ट्रेनिंग की है उसका इनको फायदा मिलेगा। अब क्योंकि इन कैंडिडेट्स ने ये सवाल उठाया था हाई पावर कमेटी के सामने कि हमने जो ये ट्रेनिंग की है इसका हमें फायदा यहाँ पे मिलना चाहिए, तो अब इन्हें इसका फायदा मिलने वाला है। इनको यहाँ पे एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है इसमें, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा आपका वो इन कैंडिडेट्स को नहीं देना होगा। जिन भी कैंडिडेट्स ने अपनी अप्रेंटिसशिप रेलवे के अंदर कंप्लीट किया है उन्हें अब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट भी नहीं देना होगा और साथ ही इन लोगों को यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर भी इनकी ट्रेनिंग का एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा। तो गाइज आप लोगों के लिए जिन भी कैंडिडेट ने यहाँ पे अप्रेंटिसशिप कम्प्लीट की है काफी अच्छी ये नोटिस है क्योंकि इन लोगों की यहाँ पे अब जो डिमांड थी, जो मांग थी वो यहाँ पे पूरी हो चुकी है, जो रिक्वेस्ट थी वो पूरी हो चुकी है, जिसके अंदर यहाँ पे अब आपको एक्स्ट्रा वेटेज भी मिलेगा जो CBT एग्जाम है और साथ ही गाइस आपको यहाँ पे अब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट भी नहीं देना होगा। और बाकी कैंडिडेट्स का इस नोटिस से तो कोई मतलब नहीं है, जो भी कैंडिडेट्स ने जो नॉर्मली ITI क्वालिफाइड हैं या जिन्होंने 10th पास किया उन्होंने अप्लाई किया है तो उन कैंडिडेट्स को इससे कोई भी मतलब नहीं है। और ये सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने यहाँ पे अप्रेंटिसशिप रेलवे के अंदर कम्प्लीट किया है। होप सो गाइस आपको ये नोटिस यहाँ पे समझ में आ गया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए गाइस आप लोग PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। गाइस PMYT कोड जितनी भी कैटेगरीज हैं अकेडमी ऐप के ऊपर उन सभी के लिए वैलिड है, वेदर इट इज UPSC, SSC, बैंक, रेलवे, CDS, FCAT, CAPF, स्टेट PSC, UGC नेट, IIT, JEE नीट। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस फिर मिलते हैं।